अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं आरजू अंसारी आज की इस नए वीडियो में आप लोगों को किस्सा एक बादशाह और एक शहजादी का बताऊंगी। बादशाह की 7 बेटियां थीं। एक दिन वो अपनी बेटियों को बुलाता है और उनसे सवाल करता है कि तुम किसका दिया हुआ खाती हो और किसका दिया हुआ पहनती हो। एक एक करके सारी शहजादियों ने कहा, अब्बा जान, हम आपका दिया हुआ खाते हैं और हम आपका दिया हुआ पहनते हैं। सबसे छोटी शहजादी ने कहा, अल्लाह का दिया हुआ खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। ये सुनकर बादशाह को गुस्सा आ गया। कहने लगा, ऐ कमबख्त, तूने मेरी नाशुकरी की है, इसकी सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसके जेवरात ले लो और पुराना कपड़ा पहनाकर इसे जंगल में छोड़ दो। मैं भी देखता हूँ ये मेरे बगैर कैसे अल्लाह का दिया हुआ खाती है और मेरे बगैर कैसे ये अपने नसीब का पहनती है। शहजादी के चेहरे पर ना कोई डर था और ना ही कोई खौफ। उसे अल्लाह पर पूरा भरोसा था कि जो उसके नसीब में है वो तो उसे ज़रूर मिलेगा। वो जंगल को देखने लगी, चारों तरफ पेड़ थे। शाम होने वाली थी। शहजादी ने सोचा, क्यों ना मैं लकड़ियां जमा कर लूं ताकि रात में आग जलाकर जंगली जानवरों से बच सकूं और रात किसी तरह से गुजर जाए। जंगल में लकड़ी ढूंढने निकल पड़ी। उसकी नज़र एक झोपड़ी पर पड़ी जहां बाहर एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर से किसी की खांसने की आवाज़ आ रही थी। पहले तो वो बहुत हैरान हो गई कि इस घने जंगल में झोपड़ी कैसे। जब शहजादी झोपड़ी के अंदर गई तो देखा एक बूढ़ा शख्स अपने खटिए पर लेटकर खांस रहा है और पानी पानी पुकार रहा है। शहजादी जल्दी से उस बूढ़े आदमी को पानी पिलाती है और झोपड़ी की साफ सफाई करने लगती है। बूढ़ा शख्स पूछता है, बेटी तुम कौन हो? तो शहजादी ने सारा किस्सा सुना दिया। आदमी उसे झोपड़ी में रहने को कहता है और कहता है, तुम यहाँ आराम से रहो, मैं शहर में काम करता हूँ, एक हफ्ते के बाद लौटूंगा, खाने का पूरा सामान है, तुम्हें किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, तुम आराम से यहाँ रह सकती हो। सुबह बूढ़ा आदमी शहर काम करने के लिए चला गया। शहजादी झोपड़ी की साफ सफाई करने में लग जाती है और बकरी का दूध निकालती है, आधा खुद पीती है और आधा बाहर दरवाजे पर रख देती है ताकि कोई भूखा प्यासा जानवर आए तो उस दूध को पी ले। शहजादी सुबह उठकर बाहर आई तो देखा दूध का बर्तन खाली था और उसमें एक कीमती मोती था जो बहुत ही बेशकीमत था और सांप के गुजरने के निशान भी थे। शहजादी ने बचपन में सुना था कि जब कोई सांप खुश होता है तो एक नायाब मोती उगलता है जिसकी कीमत हीरे से ज़्यादा होती है। शहजादी ने मोती को अपने पास रख लिया और सोचने लगी कि सांप शायद दूध पीकर खुश हो गया होगा। शहजादी रोज़ाना बर्तन में दूध रख देती और बदले में मोती पाती। इसी तरह 7 दिन गुजर गए और 7 मोती शहजादी को मिल गए। 7 दिन बाद बूढ़ा आदमी फिर वापस आ गया तो शहजादी ने बूढ़े आदमी को वो पूरा किस्सा सुना दिया और फिर 3 मोतियाँ उस बूढ़े आदमी को दे दी और बूढ़े आदमी से कहा कि इसे बाजार में बेच दो और आते वक्त महल बनाने के लिए साथ में मजदूर भी लेते आना। बाकी बचे 4 मोती को शहजादी गले में माला बनाकर पहन लेती है। कुछ महीनों में जंगल के बीच महल बन गया जिसमें वो और बूढ़ा आदमी रहने लगते हैं। ऐसा महल जिसमें ऐशो आराम का सारा सामान मौजूद था, नौकर चाकर सब थे। शहजादी जंगल में ही एक लकड़ी काटने की फैक्ट्री लगा दी थी। बाकी बचे 4 मोती को शहजादी गले में माला बनाकर पहन लेती है। कुछ महीनों में जंगल के बीच महल बन गया जिसमें वो और बूढ़ा आदमी रहने लगते हैं। ऐसा महल जिसमें ऐशो आराम का सारा सामान मौजूद था, नौकर चाकर सब थे। शहजादी जंगल में ही एक लकड़ी काटने की फैक्ट्री लगा दी थी जिससे हजारों मजदूरों को रोजी रोटी मिलने लगी। अब जंगल शहर बन चुका था। ये महल ऐसा खूबसूरत था कि दूर दूर तक मशहूर हो गया। लोग महल की और शहजादी की तारीफ करते करते नहीं थकते थे कि शहजादी बहुत नरम दिल है।
फैलते फैलते ये खबर बादशाह तक की भी पहुंच गई। बादशाह के दिल में भी मिलने का शौक पैदा हुआ कि देखूं तो सही कौन से मुल्क की शहजादी है जिसकी इतनी तारीफ हो रही है। बादशाह ने शहजादी के पास मुलाकात का पैगाम भेजा तो शहजादी ने मुलाकात की एक शर्त रखी कि बादशाह सभी बेटियों को लेकर हमारे महल में आएंगे। बादशाह ने ये शर्त मंजूर करते हुए सभी बेटियों को लेकर शहजादी के महल में पहुंच गया। शहजादी चेहरे पर नकाब लगाकर उन सब से मिलती है, उनके लिए 7 रंग के खाने पेश करती है। शहजादी का लिबास हीरे जवाहरात से ढका हुआ था। शहजादी की शान शौकत और महल की खूबसूरती देखकर बादशाह भी हैरान हो गया, क्योंकि ऐसी शान और शौकत तो बादशाह के महल में भी नहीं थी। बादशाह ने शहजादी को पर्दे में देखा तो कहा कि तुम तो मेरी बेटी जैसी हो, फिर मुझसे पर्दा क्यों कर रही हो? तुम्हारे कहने पर मैं अपनी बेटियों को भी साथ लाया हूँ। बादशाह के बहुत इसरार करने पर शहजादी ने कहा, ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। बादशाह की सभी बेटियाँ आपस में सरगोशी करने लगती हैं। इतनी तो तैयार है, कितने महंगे जवाहरात पहने हैं, कितने महंगे कपड़े पहने हुए हैं, अब और कितना तैयार होकर आएगी। इतने में दूर से पुराने कपड़ों में कोई गरीब लड़की आती दिखी। बादशाह ने गौर से देखा तो हैरान रह गया, ये तो उसकी अपनी ही बेटी थी जिसे जंगल में वो छोड़ आया था। तो बादशाह ने कहा, तू अभी तक जिंदा है, मैंने तो सोचा कि कोई जंगली जानवर तुझे खा गया होगा। चलो कोई बात नहीं, अपनी शहजादी को बुलाओ, मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करा ले जाऊंगा। ये सुनते ही शहजादी बोलती है, नहीं अब्बा हुजूर, मैं ही वो शहजादी हूँ जिससे आप यहाँ मिलने आए हैं। मैं कहती थी कि अल्लाह का खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ, आज मेरे पास आपसे ज्यादा दौलत है। फिर शहजादी ने यहाँ तक पहुँचने का सारा हाल बताया। ये सुनते ही बाकी शहजादियाँ भी रश्क करने लगी और सोचने लगी, काश हमने भी यही कहा होता कि हम अल्लाह ताला का दिया हुआ खाते हैं और अपने नसीब का पहनते हैं। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ इल्म हासिल जरूर हुआ होगा। तो चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम।